गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज मैं अपना ये न्यू ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मनाली से। गाइज अब निकल रहे हैं माल रोड पे और माल रोड कवर करते हैं। माल रोड पे कितना रस है और आपको दिखाते हैं। माल रोड काफी ज्यादा रस है माल रोड पे क्योंकि न्यू ईयर की वजह से, क्योंकि आप देख रहे हो कितनी भीड़ है और इतना रस है। आप देख सकते हो दूर दूर तक नहीं बैठते गाइस। ये माल रोड की मार्केट है पूरी, सारे दिल्ली के कपड़े आके यहाँ पे सेल होते हैं और बहुत महंगे होते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं पूरी मार्केट है ये माल रोड की। और कल निकलेंगे हम, कल कहाँ पे निकलेंगे अजू भाई? सोलांग वैली। कल निकलेंगे हम सोलांग वैली और पूरा सोलांग वैली कवर करेंगे। क्या है वहाँ पे मलिक भाई, क्या क्या है वहाँ पे? कुछ भी नहीं। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने? बस कुछ भी नहीं है। क्या तो मैं बहुत कुछ मिलेगा देखने को, बहुत सारी मस्ती होगी। क्या मछली पकड़ेंगे बड़ी वाली? हाँ चल करी पकड़ेंगे, जल परी क्योंकि स्नोफॉल काफी ज्यादा हो चुकी है सीसू में और एंट्री है हमारी तो अच्छी बात है। आपको भी दिखाते हैं सीसू पूरा और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ, हमारा बाहर का व्यू कैसा है। गाइस ये बाहर का व्यू है, आप देख लो। ये फ्रेंड्स हैं मेरे सारे, शीशु के लिए निकल रहे हैं हम। अच्छा ब्रो, तो यहाँ आके कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मजा आया। आ जाओ यार जल्दी, आ जाओ, लेट हो रहे हैं वैसे भी। निकलते हैं। गाड़ी कहाँ पे है अपनी? गाड़ी के पीछे गाड़ी है भाई, गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, बस निकल रहे हैं और यहाँ पे चल रही है ब्लॉगिंग। ये काले लिख रहा हूँ हमारी, आओ जल्दी आओ। फिर पानी आ गया, गर्म आ गया पानी, आप गाड़ी निकलवाओ। ये गाड़ी भी निकलवाओ, ये हैवी ड्राइवर है वो, पता है ना आपको? नहीं क्यों नहीं है भाई, हैवी ड्राइवर है। आप बाइक देखो कैसे जा रही है। अरे वो मैं नहीं हूं, वो दूसरा वाला। दूसरा अरे आप ही तो हो। क्या आग बंद करके चला जाता है पूरी? शाबाश, जाने दो बैग, जाने दो इस साइड से। अरे अगर लगे जल्दी बैठो भाई, लेट हो रहे हैं। सुबह 7 बजे निकलना था, निकल किस टाइम रहे हमें भाई? 11 बजे निकल रहे हैं। लेट्स गो सिसु कॉलेज। आओ भाई, 12:55 पहुंच रहे हैं, पर हम पहुंचेंगे नहीं, मैक्सिमम 2 घंटे निकल, मैक्सिमम हमें लगेंगे 2 से 3 घंटे जाने में शीशु। इतना गंदा ट्रैफिक है, कुछ नहीं रखा, बहुत है। 31 मिनट ट्रैफिक पूरा रेड हो रहा है, सब है, सारी चीजें हैं। रात में कोई पार्टी यार, आई क्यों डिप्रेशन दे रहे हो? तो क्या कहते हैं, ऑमलेट और कुछ खाने को है नहीं यार, ऑमलेट या फिर मैगी मिलेगी। सेल्स में बहुत लोग खाते हैं, वो बैंक परेशान होकर के मुर्गी फार्म खोल इसमें लागो। आप मलिक भाई कर दो यार फ्राई फटाफट, मुर्गी फार्म खोल देता हूं बंदा, तो मुर्गी फार्म में सारी मुर्गियां रखते हैं ना, अलग-अलग लोगों को मारता पीटता। क्या अंडे चाहिए? अंडे चाहिए। चाय बना रहे क्या? ये इसी में बनाएगा मैगी? अंडे यार, अंडे इसमें कैसे बनाएगा अंडे भाई? नहीं नहीं इसमें होगा, एक मुर्गी अंडे नहीं दे पाती वो बहन, क्या उसे खूब पीटता खूब मारता है और कहता है अंडे चाहिए, अब वो अगले दिन फिर से देखता है वो फिर अंडे नहीं देता।
अंडे नहीं देती। और तीसरे दिन मैंने उसको मारता तो फिर वो एक अंडा दे देता है। गाइस आप लोग यही सोच रहे होंगे कि एकदम हम बाइक से कैसे आ गए, तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था तो गाड़ी से हम ऊपर नहीं जा सकते थे। तो गाइस हमने दो बाइक और एक स्कूटी रेंट पे ली, जो स्कूटी का रेंट था एक दिन का 1000 और बाइक का रेंट था 2000। अगर आप नॉर्मल सीजन में आते हो तो आपका बाइक का रेंट होगा 800 रुपये, मैक्सिमम स्कूटी का होगा 500 रुपये। पर एक जुनून था हमें कि हम सोलोंग वैली जाके रहेंगे कितनी ठंड हो, पर काफ़ी ज़्यादा ठंड भी लग रही थी। पर कहते हैं ना कि जुनून होता है तो बंदा कुछ नहीं देखता उसके आगे, कुछ भी आ जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, पर बंदा जाके रहेगा ऊपर। तो वो जुनून हमारे अंदर भी था ऊपर जाने का। तो हम आगे आगे चल रहे थे, पीछे से एक बाइक और स्कूटी, जो हमारे पीछे फ्रेंड थे वो आगे आ चुके थे और फुल मस्ती में एंजॉय करते हुए आगे निकल रहे थे। तो हाई करते हुए तो पीछे से पूरी मेरी गैंग आती हुई बूम बूम करते हुए, और आप देख रहे हो ट्रैफिक कितना ज्यादा है, पर आगे हमारे तो कैसा लग रहा है ब्रो? यू आर वेरी स्लग ब्रो। क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा स्पीड बाइक चला नहीं सकते, हमारी बाइक 20 और 30 की स्पीड में चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक आइस थी तो हमारी बाइक स्किट हो रही थी बार बार। इतने खतरनाक रास्ते पे बाइक चलाना आसान नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था पहाड़ों में बाइक चलाना। तो मेरे लेफ्ट साइड डीप खाई थी, मैं धीरे धीरे डर डर के बाइक चला रहा था, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था पहाड़ों में बाइक चलाना। अगर मेरा पैर फिसल जाता तो मैं राम को प्यारा हो जाता और मैं आप लोगों का दुलारा हो जाता। तो मैंने धीरे धीरे बाइक चलाई और इस ट्रैफिक से मैंने बाइक निकाली। तो वैसे सोलोंग वैली आ चुके हैं, सोलोंग वैली में इतनी बर्फ़ हो रही है, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है। मैं आपको बर्फ़ दिखाता हूँ कितनी बर्फ़ है, और अटल टनल बंद कर रखी है आगे, क्योंकि बर्फ़ सोलोंग वैली इतनी बर्फ़ हो चुकी है और अटल टनल तो जान ही नहीं दे रहे हमें। तो आपको स्नो दिखाते हैं कितनी है यहाँ पे। ये सोलोंग वैली का ये हाल है अभी फ़िलहाल, काफ़ी स्नो है यहाँ पर।